अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज इस पीसीबी को रिपेयर करने का तरीकाकार आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पीसीबी है, तो इसको मैंने फिजिकल देखा है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई है। ये देखें, पानी लगा हुआ है, ये मैंने सेंसर लगाया साथ में, देखें काफ़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई है। तो फिज़िकली देखा जाए इसके पीछे तो कुछ ऐसा डैमेज नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए बिल्कुल साफ पड़ी है। और इधर से देखा जाए तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई है इसके ऊपर। और इसके ऊपर एक बात आप बता दूँ कि इसके ऊपर LCD मौजूद ही नहीं है, तो इसका एरर देखेंगे और इसको रिपेयर करते हैं। तो मैं इसको सप्लाई लगाने लगा हूँ। मैं इसको सप्लाई लगाता हूँ, इधर इसकी सप्लाई लगानी है और इधर इसका सेंसर। तो मैं अभी आप ऑन करके देखता हूँ। ये देखें जैसे इसकी सप्लाई ऑन की है तो ऐसे ही बीप की आवाज़ आती है, और जो ये वाली चारों LED ब्लिंक करती रहती है और उसके बाद खामोश हो जाती है, कोई बटन इसका वर्क नहीं करता फिर। ये देखें सिर्फ पावर का बटन काम करता है, ऑन ऑफ का। ये देखें तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ, तो फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसमें क्या मसला है। तो मैंने इसको देखा है, ये तो फिज़िकली इसके सेंसर का एरर है। मैंने दो सेंसर लगा के देख लिए हैं इसको, लेकिन मसला सेम ही आ रहा है इसके ऊपर। हो सकता है ये मेरे पास ऐसे PCB आई है, हो सकता है इसका सेंसर ख़राब हो, और ख़राब होने की वजह से ये वाला IC लगा हुआ है, ये छोटा सा ये वाला। तो मैं इसको देखता हूँ कि इसमें ये IC ने इसको पल्स देनी है सेंसर को, तो मैं इसको चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा मसला हल होता है कि नहीं होता। जी दोस्तों, इस IC को मैंने चेंज किया, अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। इसको मैं सेंसर लगा लेता हूँ और सप्लाई मैं इसको देता हूँ, ऑन करता हूँ। इसका पावर का बटन मैं ऑन करने लगा हूँ। जी सर, दोस्तों देखें ये सेंसर का IC लगा हुआ था ये वाला, इसको मैंने चेंज किया है तो हमारा मसला हल हो गया। अब मैं इसको प्रॉपर टेस्ट करता हूँ कि और तो कोई मसला नहीं है इसमें। इसको ये मैंने टेस्टर बनाया साथ में, इसके साथ मैं अभी कनेक्शन करता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसको प्रॉपर सेटअप कर लिया, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। मैं इसको पावर ऑन करने लगा हूँ। ये पावर का बटन है, मैं इसको प्रेस करता हूँ। ये सेंसर मेरे खैर अटैच नहीं हुआ सही तरह से। जब मैं पावर ऑन करने लगा हूँ, ये देखें पावर ऑन की, तो देखें किसी भी किस्म की बीप नहीं आई। तो ये IC की वजह से, एक IC था और दो इसके साथ ये वाली और ये वाली, ये 5K की रजिस्टर लगी हुई थी, इसको मैंने चेंज किया है। तो अब मैं इसको ऑन करने लगा हूँ जैसे सप्लाई, और आप देख लेंगे ये देखें 1 वे और 2 वे मोटर स्टार्ट हो गई है। अब ये कुछ देर में पानी लेगी, ये देखिए पानी लेना स्टार्ट कर दिया इसने। अब मैं इसको एयर देता हूँ, ये देखें मैंने सेंसर को एयर दिया इधर से, ठीक है। तो वाश मोटर चल पड़ी 1 वे और 2 वे, तो हमारा मसला हल हो चुका है। अब मैं इसको स्पिनर पे ऑन करके देखता हूँ कि स्पिनर भी हमारा ठीक हो गया। ये मैंने पावर ऑन की है,
वो सप्लाई तो लगाई नहीं है। सप्लाई लगा दिया, अब इसको पावर ऑन करता हूँ। मैं इसका पावर ऑन करने लगा हूँ और मैं काफ़ी देर से इसको ट्रायल कर रहा था तो हमें इसका स्पिनर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि डिस्प्ले तो है नहीं इसके ऊपर। तो अंदाजे से हम चेक कर रहे हैं, ये देखें सारा प्रोग्राम और बटन सारे कुछ काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है स्पिनर भी ठीक होगा, इसके ऊपर लिखा ही नहीं, तो स्पिनर मैं ढूंढने की तलाश कर रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। लेकिन ये देखें जो मेन मसला था इसका कि ये चलते सारी बीप की आवाज़ देती थी, वो मसला हमारा क्लियर हो गया है। तो अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। मेरे पास ये 3-4 पीसीबी आई हुई है रिपेयरिंग के लिए, ये अल्ट्रा ऑन मॉडल की ना, तो मैं बहुत जल्द इनके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और आप दोस्तों को साथ बताऊँगा। ये 4 पीसीबी आई है रिपेयरिंग के लिए, ये सियालकोट से बेसिकली मेरा एक दोस्त है उसने मुझे भेजी है रिपेयरिंग के लिए, तो मैं इनके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा और आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा इसमें क्या क्या मसला आया इन पीसीबी में। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।